नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जनता से प्रभावी संवाद के लिए जम्मू कश्मीर में नई मीडिया नीति मंजूर। FM रेडियो, सैटेलाइट और केबल TV चैनलों का होगा इम्पैनलमेंट। बेहतर योगदान के लिए हर साल 2 मीडियाकर्मी होंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीक माई के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। लॉकडाउन में तनाव को कम करने पर केंद्रित रहेगा सम्मेलन। भारत सरकार ने किया आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। आलू प्याज समेत कई अन्य कृषि उत्पाद आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह के नाम को बदलने को दी मंजूरी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह होगा नया नाम। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आम जनता से प्रभावी संवाद बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मीडिया नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के माध्यम से स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में लोगों तक पहुंचने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने के साथ साथ देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता बनाकर मीडिया के दुरुपयोग और फर्जी खबरों पर रोक लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, इस नीति से प्रदेश में मौजूदा विज्ञापन आवंटन नीति में विसंगतियों को दूर कर विज्ञापन आवंटन प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई पत्रकारों पर उनके द्वारा की गई रिपोर्टिंग को लेकर FIR दर्ज की थी। दरअसल हाल के दिनों में 2 मीडिया कर्मियों पर आतंकवाद विरोधी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। नई मीडिया नीति के अनुमोदन के साथ ही सरकार और भी बेहतर और प्रभावी तरीके से आम जनता तक कल्याण, विकास और प्रगति की खबरों को पहुंचाने में सक्षम हो पाएगी। नवीन मीडिया नीति 2020 में व्यवस्था की गई है कि भारतीय जनसंचार संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे संस्थानों में मीडिया एकेडमी की स्थापना की जाएगी, जो प्रदेश में पत्रकारिता के उच्चतम स्तर को बढ़ावा देगा और इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किए जाएंगे। इस नीति के अनुसार प्रतिवर्ष 2 मीडिया कर्मियों को उनके बेहतर योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा और प्रदेश के सभी विभाग जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग के साथ संपर्क करने के लिए एक नोडल अधिकारी को नॉमिनेट किया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए जनता से जुड़े रहने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग में एक सोशल मीडिया सेल की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। आपको बताते चलें कि सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक ही इम्पैनलमेंट के अध्यक्ष होंगे। नीति के अनुसार गठित समीक्षा समिति की अध्यक्षता भी उनके जिम्मे रहेगी। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पीक माई के अनुभव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। यह पहली बार है जब इस सम्मेलन का आयोजन ऑनलाइन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन 1 से 7 जून के मध्य किया जाएगा। साथ ही इस वर्ष का सम्मेलन इस बात पर केंद्रित रहेगा कि लॉकडाउन के दौरान युवाओं में उत्पन्न तनाव को किस प्रकार कम किया जाए। आपको बताते चलें कि स्पीक माई के एक गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक आंदोलन है। इसका पूरा नाम सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर एमॉन्स्ट यूथ है। इसकी स्थापना IIT दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर किरण सेठ ने वर्ष 1977 में किया था, जिसके लिए सरकार ने कला के क्षेत्र में विशेष योगदान मानकर डॉक्टर किरण सेठ को वर्ष 2009 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। साथ ही वर्ष 2011 में स्पीक माई को युवा विकास योगदान के लिए राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको बताते चलें कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार शांति, सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भाव के संवर्धन और हिंसा के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर दिया जाता है। स्पीक माई के माध्यम से देश के कुशल कलाकारों के द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक नृत्य, कविता, रंगमंच, पारंपरिक चित्रों, शिल्प और योग से जुड़े कार्यक्रमों को मुख्य रूप से स्कूलों और कॉलेजों में प्रस्तुत किया जाता है।
स्पीक मैके को राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। सरकार ने किसानों के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। यह निर्णय 3 मई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। सरकार ने कहा, इस फैसले से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। मंत्रिमंडल ने कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पाद व्यापार संवर्धन एवं सहायता अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। साथ ही मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी स्वीकृति दी गई। सरकार का मानना है कि इस संशोधन से आवश्यक वस्तु की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पाद बाहर हो जाएंगे, जिससे किसान एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी बंधन से मुक्त हो जाएगा और किसान अपने उत्पादों का भंडारण अपने मुताबिक कर सकेंगे, जिससे उनको अच्छी कीमत मिल सकेगी। इसके साथ ही साथ अपने उत्पादन को देश के किसी भी बाजार में बेचने की आज़ादी होगी। इस फैसले के बाद अब किसान अपनी पैदावार को सीधे निर्यातकों को बेच सकेंगे। इससे सरकार की वन नेशन वन मार्केट की नीति को बढ़ावा मिलेगा, बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और सारा पैसा किसान को ही मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने उम्मीद जताया है कि इस फैसले से कृषि क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, जिससे खाद्य आपूर्ति की सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। आपको बताते चले कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को उपभोक्ताओं को अनिवार्य वस्तुओं की सहजता से उपलब्धता सुनिश्चित कराने और व्यापारियों के शोषण से उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था और इस अधिनियम में अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण की व्यवस्था की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की अनुमति मिल गई है। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 25 फरवरी 2020 को हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर विधिवेत्ता, शिक्षक, विचारक और जनसाधारण के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने की मंजूरी दी थी। आपको बताते चलें कि कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को पश्चिम बंगाल की जनभावनाओं को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया। कोलकाता बंदरगाह पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। 1870 के कानून 5 के अनुसार कलकत्ता बंदरगाह के सुधार के लिए आयुक्तों की नियुक्ति पर 17 अक्टूबर 1870 को यह एक ट्रस्ट द्वारा संचालित हुआ। इसकी खास बात यह है कि यह पहली अनुसूची भाग 1 भारतीय बंदरगाह कानून 1908 के क्रम संख्या 1 पर स्थित है और प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट कानून 1963 द्वारा संचालित है। आमतौर पर भारत में बंदरगाहों के नाम उस शहर या कस्बों के नाम पर हैं जहां वे स्थित होते हैं, लेकिन कुछ विशेष मामलों में नामचीन हस्तियों के नाम पर भी बंदरगाहों के नामकरण किए गए हैं। साल 1988 में न्हावा सेवा बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट किया गया। इसी प्रकार साल 2011 में तूतीकोरिन बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर वीओ चिदंबरनार बंदरगाह ट्रस्ट कर दिया गया और इन्नोर बंदरगाह लिमिटेड को जाने माने स्वाधीनता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री श्री के कामराजार के सम्मान में कामराजार बंदरगाह लिमिटेड किया गया। इसी क्रम में कांडला बंदरगाह का भी नाम बदला गया था। साल 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह किया गया। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार होगा आपकी परीक्षाओं से। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोविड 19 की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों की सहायता के लिए दिल्ली कोरोना नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में कितने बेड और वेंटिलेटर खाली हैं।
इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात है कि यहाँ बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आपको बताते चलें कि देश में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के मामले 2 लाख से अधिक हो गए हैं, जबकि वायरस के कारण तकरीबन 6,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दिल्ली में 23,000 से अधिक मामले हैं, जिसमें 600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा किया कि अमेरिका सितंबर 2020 तक G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर रहा है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 समूह को G10 या G11 तक विस्तारित करने पर विचार कर रहे हैं। G7 7 देशों फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन का एक समूह है, जिसका कोई मुख्यालय या निश्चित संविधान नहीं है। G7 सम्मेलन में जो निर्णय लिया जाता है वह गैर बाध्यकारी होता है। ट्रंप अन्य 3 देशों ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत और साथ ही दक्षिण कोरिया को शामिल करके G7 का विस्तार करना चाहते हैं। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में हुआ था, जिसका उद्देश्य विश्व के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं को विश्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक मंच देना था। प्रत्येक वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2008 को परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से सहज और टिकाऊ साधनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया गया। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। आपको बताते चलें कि विश्व साइकिल दिवस मनाए जाने के लिए अमेरिका के मॉन्टगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेस्जेक सिबिल्सकी और उनकी सोशियोलॉजी की कक्षा ने याचिका की थी। बाद में प्रोफेसर सिबिल्सकी और उनके विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया के द्वारा इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया और साथ ही 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाने का फैसला लिया। इस अभियान को कुल 56 देशों का सहयोग प्राप्त हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।